कहते हैं? गौर से बोल। कब्रस्तान। जकड़ो उसको तेज के साथ में। कब्रस्तान से कितना टाइम हो रहा लाके? 2 साल। सीधा वर्ड ना तो दो टुकड़ा कर देता हूँ। चल दे सीधा वर्ड। आपका रात चल रहा वैसा? हाँ क्या करा रही थी? क्या ही कुछ क्या कर रही थी उसके घर में घुस के तू? हाँ बच्चों को मारने का था उसके। हाँ मार देती भाई। कैसे मारने आई? पटक पटक के सिर। छोटे बच्चों के सिरा पटक पटक के मार देने का है? और भरत के भी झगड़े लगा रही थी उसके उसके सबको मार देती। कैसे मारने आई? कैसा मारने आ लिए? जलाओ उसको तेरे साथ में। कौन जाके डाले तुझे उसके आंग में? ससुराल के तरफ के उसके मायके के तरफ के लोग आए यहाँ कौन है? उसके ससुराल के तरफ के मायके के है। जल्दी ससुराल ससुराल के तरफ के औरत है आदमी है जादू करने वाला ध्यान से कब खत्म करने का था उज्मा को? बीमारी डाल के एक्सीडेंट करा के सुसाइड करा के कैसे मारने का है? कैसा मारने का है? बीमारी से। बीमारी से। जादू चलाते टाइम पे उज्मा का क्या लिख गए थे? कपड़ा मट्टी चप्पल बाल क्या लिए थे? क्या लिए थे? बाल। बाल। औरत लिख गई आदमी लिख गया। नाम नहीं पूछा मैं, खाली औरत लिख गई आदमी लिख गया। बता कौन लिए? औरत। हाँ औरत। ससुराल की मैसी की वो ससुराल के। अच्छा दवा कैसे मिला है खिलाए उसको? चावल में सालन में दाल में रोटी में कैसे मिला खिलाए थे? वो नहीं मालूम। नहीं मालूम जलाओ। मालूम कैसे मिला खिलाए थे? कैसे गोश्त में। कहे का गोश्त था वो? बड़े का छोटे का? अच्छा जकड़ो उसको तेज एक साथ में। बोल रही ना भाई छोड़ देना तुम जला कर आप कर दो। क्या सोच रहा हूँ उसके मर्द को भी खिलाए सो और बच्चों को मार देने का था? क्या कर रही थी तू उसके आंगन के बच्चों को पटक के मार रही थी? मारने वाली छू मैं बच्चों को भी। क्या दुश्मन बच्चों को नहीं, को नहीं पसंद। पसंद नहीं है नहीं पसंद। चल तुम तो बकर काट के डाल दूंगा जल्दी। तुम तो बकर दो टुकड़े कर दूंगा हाथ तक काट को लेकर फाट टांग दूंगा। कर जल्दी मुंह पे हाथ मार के मुंह पे हाथ मार जल्दी। तो बकर मुंह को हाथ लगा के तो बकर जल्दी तो बकर मुंह को हाथ लगा के तो बकर जोर से कर तो बकर जल्दी जोर से दबा कर जल्दी पीछे नाला जोर से दबा दबा कर। ये जो मसले चल रहे हैं अभी क्या रास्ता नहीं क्या बयान करूं उसमें आगे उसकी माने विषय है कोई बला है वो जो बला है शमशान से कहीं से लाए और कब्रस्तान से आधे तुम्हारे चेहरों पर मत मार नीचे बच्चों के कैमरा। ये बच्चों को ये सबको पटक पटक के मार देने वाली ये बला ये छोड़ के जो भी दास्तान है ये करने वाले कौन है मेरे को मालूम है मगर मैं अभी नाम नहीं पूछाया वक्त आने पे नाम पूछूंगा। और दूसरी बात क्या बोलते तो मैं बार बार सब लोगों से यही कहता हूँ कि ये सब बातों का निचोड़ है अल्लाह कलाम की यूएससी को मजबूती से थामो इबादत को तुम मजबूती से थामेंगे तो तुम फिर कोई परेशान नहीं कर सकेंगे क्योंकि तुम हक पे रहेंगे और तुम्हारे तो अल्लाह के फज़ल से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। और बार बार मैं एक बात तुमको यही बोलता हूँ कि हसद जलन ने जन्नत में से शैतान को ज़मीन पे गिरा दिया और उसके सारे रुतबात मरतबात ख़त्म करा दिया। हसद जलन घमंड तखब्बुर ये चीज़ा नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर। अगर ये रहेंगे तो सोचो उन्होंने रोए ज़मीन और साथ तो ज़मीन का ऐसा कुछ कोना नहीं जहाँ पर उन्होंने अल्लाह के वास्ते सजदा नहीं किया था शैतान ने
उन्हें सजदे कर 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 इबादत कर कर के उसको मकामात मिले थे कि फरिश्तों का सरदार बन गया था। दिन ब दिन उसके मकामात बढ़ते गए। बाद में एक मामूली सी गलती और एक अल्लाह का ना फरमान ही करा उन्होंने कि मैं इसको क्यों सजदा करूँ, ये तो मट्टी से बने वाला है, मैं आग से बने वाला हूँ। कि बस ख़त्म, उसको क्या बोलते मालूम का लखब मिल गया, उसको ज़मीन पर फेंक दिया गया, धुका दिया गया, अंधेरों की तरफ ढक ले गया। उसके आमाल ने उसको उससे सारे आमाल जल के राख हो, एक मामूली घमंड, एक मामूली तकब्बुर की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी करने के वजह से। तुम लोग अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो ज़रूर भुगतना पड़ेगा, खबर में भी भुगतना पड़ेगा, दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा, आखिरत में भी भुगतना पड़ेगा। ये सब हरकतों से बाज आ जाओ। तुम्हारे को सख्त मना करने वाला है कि जादूगरों के पास जाना, जादू करना, एक दूसरे को जादू से परेशान करना, ये सब चीज़ों से मना फरमाने वाला है। इल्म क्या नहीं रखा अल्लाह ने, हर चीज़ का इल्म है। जादू टोना कैसा नहीं होता, बहुत सारे लोग बोलते हैं मानते नहीं जादू टोने को। देखो ना, फिर मैं प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ दुनिया को, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने ताकत दिया उस दिन, जो भी है वो अल्लाह का निज़ाम। वो सब इसलिए है कि वह आले रसूल औलाद अली रज़ी अल्लाह तआला ने घराने से इसलिए बोलकर अल्लाह ने सिर्फ बात वो सब मरतबात रखा। और सबसे अहम बात मैं तुम लोगों को बार बार बोलता हूँ कि ये सब बातों से बाज आ जाना। और मैं तुम्हें कोई दौर की ख़ास बात बताता, कि मेरे जो जुल्फे हैं सिर्फ यहाँ तक आते, यहाँ तक। मैं 5-6 साल पहले 2017 में इनको कटाने के लिए गया था, थोड़ा तराशने के लिए, ये यहाँ तक ही जाते मेरे जुल्फे, इसके नीचे नहीं जाते। और ये सामने की जो बाल है तो वो यहाँ तक आता, दाढ़ी के यहाँ तक। और मैंने जिंदगी में कभी क्या बोलते तुमको कैंची नहीं लगाया, दाढ़ी को तो कैंची भी नहीं लगाया, दाढ़ी तो जैसी की वैसी लगा, खाली मूंछ तराशता मैं। और देखो खुदा की कुदरत कैसी है दुनिया वालों। मैंने अभी यू एक चैनल पे, एक न्यूज पे वो देखा था कि एक इंसान ने 1 साल तक दाढ़ी मूंछ नहीं बनाया तो वो आदि मानव बन गया, बोल के बता रहे थे। तो मुझे इतना अफसोस हुआ देखकर कि 1 साल में इन्हें आदि मानव बन गया। और ये देखो कैसी अल्लाह की रहमत है कि मैंने जुल्फे काटने के लिए मैं एक बार गया था 2017 में दुकान पर, दुकान वाले ने क्या कर दिया था, 2 इंच मेरी जुल्फे काट बोला था मैंने उसको। तो उन्होंने बोला था बिन फिक्र रहो, अल्लाह के बड़े सलून में गया था मैं, हमारे सबने बोले भाई बड़े सलून में जाओ, वहां पर एक एक बाल को अच्छे से तराश था। तो मैं क्या कर, बड़े सलून में गया, बहुत बड़े सलून में। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे जुल्फों को 1 इंच काटने के बजाय मेरा जो यहाँ का बाल यहाँ तक आता तो इसको काट के कान तक कर दिया, और यहाँ का ये जो जुल्फे सामने की वाली है, यहाँ की फ्रंट वाली है, यहाँ तक आती दाढ़ी नहीं, तो ये काट कर यहाँ तक कर दिया था उन्होंने। तो मुझे इतना गुस्सा आया 2017 में, क्या कहेंगे, जलाल आने के बाद पी जाना पड़ता ना, किसी भी जाहिर थोड़ी कर सकते, जाहिर करे तो फिर वो बेमौत मरता। इसलिए मैंने क्या करा कि नहीं गया उसके दुकान में, आज के बाद से कटिंग ही करना छोड़ता, मैं जाता ही नहीं कोई दुकान पे। अल्लाह की रहमत देखो, 2017 से जो मैंने कटिंग करना बंद कर दिया बालों की, तो आज तक, लेकिन आज भी वो बाल जहाँ को वहीं आकर रुक जाते, बड़े होते और बड़े होते बस सिर्फ यहाँ तक आते, यहाँ तक, इसके नीचे नहीं जाते। और यहाँ का बाल सिर्फ यहाँ तक आता, इसके नीचे नहीं जाता, खुदा की कुदरत, कुदरती तौर से जहाँ को वहाँ स्टॉप कर दिया उनको अल्लाह ने, खुदा का निजाम। और मैं 17, 18, 19, 20, 21, 22 खत्म हो गया, 23 लग रहा, तो भी मैं आज तक कटिंग की दुकान पर नहीं गया। बस मैं बोला जाना ही नहीं, सिर्फ मैं मूंछ तराशता हूँ, ये मूंछ जो है इसको तराशता हूँ, और बाकी दाढ़ी को तो मैंने कैंची भी नहीं लगाया, और ये जुल्फों को 2017 से तराशना भी छोड़ दिया। जहाँ को वहां रुके आ ले 2017 से, उससे नीचे नहीं गए। और वो जब छोटे करा था तो बढ़ के लास्ट यहाँ तक आते हो, बस सिर्फ यहाँ तक, इससे नीचे नहीं जाते हो। और यहाँ ये यहाँ का जो सामने के बाल से पकड़ के अगर खींचे तो वो सिर्फ यहाँ तक आते, दाढ़ी के यहाँ टूटी के लेवल तक, बस इसके नीचे जाते नहीं हो, खुद बहुत कुदरत करने। और जबकि मैं वो इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने 2000 अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर उसने बताता कि कोई अंग्रेज रिसर्च करता, उन्हें 1 साल तक कटिंग नहीं करता तो मैं आदि मानव बन जाता, उसके बाल इतने बढ़ जाते, उसकी दाढ़ी इतनी लंबी हो जाती, बोंगी से नीचे तक चले जाती। मगर देखो ना यहाँ निजाम कैसा अल्लाह का, तो कुछ अल्लाह की चुनिंदा बंदी भी रहती, कुछ राज भी रहते अल्लाह के, कैसा अल्लाह ने, कैसी क्या बात है, मैं बयान भी नहीं कर सकता। तुम इस पर अंदाजा लगा दो क्या माजरा है, क्या मुअज्जज़ा है, क्या अल्लाह का निजाम है। कुछ अल्लाह के चुनिंदा बंदे भी रहते, उनके हाथ से फैज पहुंचाता, खुद जमीन पे आके फैज नहीं देता, जमीन की औकात नहीं है गैलिक जून की उसके नूर को बर्दाश्त करने की, सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो सूरज को बनाने वाले को कहाँ से बर्दाश्त करोगे। तो ये सब बातें हैं, इस पर अमल करो, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा तुमको अमल करने की तौफीक दे। एक दूसरे को घर गर्म पानी से मत जलाओ, जादू टोना एक ऐसी चीज है कि किसी को नहीं गिनता हो, जब चल गया चलने के बाद उसको खाली उसका बादशाह होना और उसका वापिस होना, उसको हटाने का बाकी किससे हटता भी नहीं और किसको गिन के रुकता भी नहीं। कोई बादशाह नहीं, कोई वजीर नहीं, कोई पीए नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई डमका नहीं, कोई अफिसर नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब पे हमला होता और बरोबर हमला होता जादू टोने का, सबको धूल चढ़ाता जादू टोना, उसकी खास बात है। क्योंकि शैतान और जिन्नातों की मदद से चलता ना वो खबीज बलाओं के, तो वो जो बलाएं रहते हो किसको इतने गिनते हो,
उनको खाली उनका बादशाह लगता है जिनको कुदरत ने चुने आला है नेचर की तरफ से जिसके हाथ में निजाम दिया है। बाकी आम इलाज वाले को भी मार देते हो घुस के, इतने ताकतवर रहते हो छोटे मोटे जो इलाज वाले रहते ना उनको, जहाँ अल्लाह ने ताकत दिया नहीं सिर्फ वही धूल चाटते हो वही उनको चाटना पड़ता धूल, क्योंकि अल्लाह वालों के दर के आगे तो कोई दर नहीं रहता ना, वो दर के बाद एंड हो जाता था इसलिए। और जादूगर के हाथ में ताकत नहीं रहती जादू हटाने की, तुमके कोई भी जादूगर के पास जाओ हटा नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह वाले बुजुर्ग गांधी ये लोग सता हटा सकते, और बाकी तो फिर पूरी दुनिया तुम्हारा सताती, फिर कोई नहीं हटा सकता, सब तुम्हारा उल्टा ज्यादा परेशान करते थे। जादू से तबीयत बर्बादी लगा देते, शादी नहीं होने देते, बीमारियां लगा देते, 99% मैंने बीमारी वाले पेशेंट राइट करा तो सब जादू टोना निकला। मैंने प्रैक्टिकल में पूछा है, मेरी जबानी कुछ नहीं बोला, बच्चों के बच्चों की शादी नहीं होने दे रहे, बलाएं सामने आए बयान करे, बलाओं के असरात थे उन्होंने सब नहीं होने दिए, किन्होंने लगाए क्या क्या ये सब, इनको ड्यूटियां दिया लेते, किसी की कंपनी नहीं चलने देना तबही बर्बादी लगा देना, किसी की शेयर्स गिरा देना तबही बर्बादी लगा देना, कोई तरक्की कर रहा उसकी तरक्की के आड़ आ जाना, कोई स्टार बन रहा उसको खींच के डिवोर्स ला लेना, कोई नेता बन रहा, मैंने सब वीडियो में पूछा वाले हर चीज है, यहाँ तक के इलेक्शन के अंदर के तक बातें पूछा वाले, कोई आगे बढ़ रहा है उसके पीछे भी एक दूसरे ने जादू टोने करके लगा के टांगा पकड़ के खींच दिए, ये सब हरकतें हैं, ये सब हरकतें, ये है ये दुनिया, इसको मानना ही पड़ेगा। जो ना मांगे सीख वो फिर दर दर मांगे, ठीक किसका क्या जाने वाला है। तुम बोलेंगे कि हम मानते नहीं, वाकई में इंसान की फितरत ऐसी बनाया अल्लाह ने कि इंसान का दिल और दिमाग जब तक कोई चीज अपने आंखों से देखेगा नहीं मानता नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता, और बहुत सारे चीजें जो है कि वो नजर नहीं आते, मगर ना नजर आते हुए बर्बाद कर देते अगर नहीं मानते वो बातों पर, और जल्दी उनको रुकावट नहीं डाले और जल्दी अमल नहीं कराए तो उन्हें पूरा बर्बाद कर देते, पूरा हलाक कर देते, खत्म कर देते, बीमारियां लगा देते, मियां बीवी में झगड़े लगा देते, तलाक करा देते, बीमारी लगा खत्म कर देते, एक्सीडेंट करके खत्म करा सकते, जादू टोने से हर वो चीज करा सकते, यहां तक कि खुद इंसान को इंसान के हाथ से मरवा दे सकते, बहुत है बाबा उसके अंदर क्या नहीं है मैं देखते बैठे आला हूँ। इसलिए मेरे को सारे बातों का इल्म अल्लाह ने बताया, जिसको उस्ताद सिखाता उसको शागिर्द बनाता, यानी कि वो शागिर्द रहता, और उस्तादों का उस्ताद जो रहता वो खाली एक ही पैदा होता, वो अल्लाह जिसको सिखा के पैदा कराता, जिसको नेचर सिखाता, जिसका कोई उस्ताद नहीं रहता वो उस्तादों का उस्ताद रहता, क्योंकि अल्लाह ने मेरा कोई उस्ताद नहीं रखा। अल्लाह ये जितने भी चीजें अल्लाह ने सिखा वाली है खुद मुझे गॉड गिफ्ट दिया अल्लाह ने, ये अल्लाह की तरफ से, मैंने जो भी इबादतें करा था बंद कमरों के अंदर इबादतें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, खाली अल्लाह की मोहब्बत में इबादतें करा था मैंने, तो इबादतों की वजह से वो इबादतें कहाँ अल्लाह ने कैसे फून करा अल्लाह को मालूम, इसलिए अल्लाह ने रुतबा अदा करा। 17-17, 18-18 घंटे भी बैठ के बचपन में इबादत करता था मैं, पूरा बचपना मेरा कब्रस्तान के अंदर इबादत में गुजरा। बाद में एक वहां इबादत करते वक्त लोग देख रहे थे और देख ले रहे थे बहुत सारे लोग रात में कि बच्चा यहाँ कुछ पढ़ता और पूरा आलम बदल जाता है यहाँ का, और बोल रहे भी थे कि सुबह में हमने देखे तुम्हारा वहां रात में कुछ कैफियत चेंज हो गई थी वहां के पूरे मामला की। तो फिर मैंने बोला आप लोग देख रहे हैं यहाँ जरूरी नहीं है कब्रस्तान में बैठ के जिक्र अस्कार इबादत करें, चलो कहीं घर में कहीं रूम में कहीं कोना में जो खाना रूम अपने मिलेगा तो उसमें जिक्र करेंगे। फिर मैंने एक कमरा खाली कराया, फिर उसके अंदर लास्ट का घर के अंदर का, फिर उसके अंदर जिक्र अस्कार अपनी इबादत कंटिन्यू रखा, और मैं कब्रस्तान में इस वास्ते जाके पढ़ता था कि मुझे अच्छा लगता था वहां जाकर पढ़ना, क्योंकि वही बस्ती है और ये उजड़ती है, यहाँ से सब उजड़ के जाके वहां जाके बसते, और वहां जाने से थर करता इंसान रात में, और मेरी तो इबादतों में जिंदगी वहां गुजरे आ रही, वहां पढ़ा मैंने, वहां जिक्र अस्कार करा ज्यादा से ज्यादा कब्रस्तानों के अंदर रात में, मगर मैं सिर्फ खालिस अल्लाह की इबादत करता था, खालिस अल्लाह की इबादत, अल्लाह और उसके रसूल के, और मेरे को कुछ कुरान के सूरतें ऐसे पता थी कि जो सूरतें कब्रस्तान में दाखिल होता था और दाखिल होकर सूरतें पढ़ते उसकी बरकत से अल्लाह 40 दिन तक आजाब रोक देता था खबर पे का, 40 दिन तक आजाब बंद कर दिया जाता था, क्योंकि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर ये कब्रस्तान में पढ़ेंगे तो ये पढ़ते ही इसकी बरकत से अल्लाह 40 दिन तक आजाब रोक देगा कुरान की कुछ सूरतें बताई वाली सरकार ने, तो सूरतें मुझे पता थी मेरे इल्म के अंदर थी, तो मैं जब जाता था तो सबसे पहले मैं 40 दिन तक क्या वहां पर जिक्र अस्कार करके आजाब रोकने लगा देता था, आजाब रुक गया फिर उसके बाद में खत्म, फिर क्या बोलते फिर जिक्र अस्कार करता था, यानी कि वो भी रूहें खुश और मेरा भी जिक्र अस्कार चालू। तो ये सब बातें बाद में लोग वहां देखने लगे और मैं डिस्टर्ब होने लगा, इसलिए मैंने वहां से छोड़ दिया, फिर रूम में आके अपने अपने बंद कमरे के अंदर, रूम में 5 साल तक बंद था मैं रूम के अंदर जिक्र में इबादत में अपनी थी, फिर जाकर अल्लाह ने ऐसे मौजजात ऐसे जो भी इनामात रखा जो भी अता करा वो सब बोला था ना कि यही दिन सिरातुल मुस्तकीम, तुम सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलोगे तो यकीनन तुमको इनामात मिलेंगे, यकीनन तुमको जन्नत भी मिलेंगी और इनामात भी अता किए जाएंगे। वाकई में अल्लाह ने इनामात अता करा, वाकई में सब बनाया, अब मुझे क्या जरूरत है तुम्हारा बताने की और दुनिया वालों को बोलने की, सिर्फ एक मौजजा देख कर लोग उसको बुजुर्गियत उसकी साबित हो जाती है, सिद्ध हो जाती कोई भी शख्स की करामत शख्स की, और अल्लाह ने ऐसे रुतबा और ऐसे करामत दिया ले कि रात और दिन में बताते बैठे आला हूँ, रात और दिन तुमने देख देख के वीडियो भर के पढ़ गए नेट पे, किसी हद नहीं है।
मैंने भी खालिस अल्लाह के वास्ते इबादत करा था, सब अल्लाह के लिए, सब अल्लाह के लिए था, मेरे दुनिया वालों से कुछ लेना देना नहीं था और आज भी किसी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि दुनिया की कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है जो लाकर मुझे कुछ तोहफे में कोई चीज दे सके, क्योंकि जो भी देने वाला है तोहफे वो अल्लाह की जात, जो भी करने वाली वो जात अल्लाह की, और जो भी रजा करना है किसी को बता के तो वह अल्लाह को रजा करना है, मुझे इंसानों को राजी नहीं करना है। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है इंसानों, ना तुम्हारे बादशाहों की हैसियत है, ना तुम्हारी हैसियत है, तुम सबको मर के खबर में जाना है, मट्टी बन जाना है, और अल्लाह के वलियों पर जिस्मों पर अल्लाह ने मट्टी को हराम करार दिया, उनके कफन को भी नहीं छू सकते, उनका कफन भी छीना, तुम पर कीड़े मकड़ो हराम है, और कीड़े मकड़ो की गिजा बना दिया तुम्हारे जिस्मों को, तुम्हारे बादशाह से ये सबसे कुछ लेना देना नहीं है, खाली मैं अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते तुम्हारा सब करते बैठाला हूँ, और मेरे को पूरे सब हर कोई ये बोलता कि बस कर दो बस कर दो, कई को तुम अपने पैरों में इतनी तकलीफ भर लिए बैठकर कि 17-17, 18-18 घंटे कोई एक जगह पे नहीं बैठ सकता, तुम 4 घंटे अगर जमीन पर बैठ के बताओ मुझे एक साथ एक जगह पे, तुम्हारे पैर से अकड़ जाते, उठ के भागना पड़ता, चुमटियां नाचते पैर में, मैंने इबादत के वास्ते ऐसी ऐसी इबादत करा, कैसे कैसे कुर्बानियां दें, कैसी कैसी इबादत करा, तुमको क्या बयान करूं, ये सब जो मकामात रहते ना ये इबादत के वजह से बुलंद होते, और शैतान के जो साथियां रहते तो उनके साथ तो शैतान मिलके नाचता, वो सब ये हरकतें कर रहे हैं, दूसरों के आंगों में छोड़ रहे, उनकी कोई भी साथ नहीं है, जादूगर पूरी जिंदगी डालकर एक बला हासिल करता है, एक जिन्नात एक शैतान, और यहाँ आने के बाद उसकी पूरी जिंदगी का एक शैतान बला जो भी हासिल करे अल्लाह उसका घमंड तकब्बुर वो शैतान के ऊपर रहता, वो यहाँ आकर एक मिनट में चकनाचूर कर देते उसको, क्योंकि अल्लाह के कलाम की ताकत है, और अल्लाह की कलाम पढ़ने वाली जबान बनाओ, जिक्र अस्कार करो, नेक सालहीन बनो, और ऐसा ये मैं एक ही धर्म के लिए नहीं बता रहा हूँ, सब धर्मों के लिए और सब जात के लिए बता रहा हूँ, इंसानियत सबसे बड़ी है, तू ये धर्म का मैं वो धर्म का, इन्हें फलाना उन्हें ढंग का, ऐसा मत करो, आपस में मत बटो, इंसानियत अगर बढ़ जाएगी निकटो नालायक हो तो तुम भागने को जगह नहीं मिलेगी, जानवर के मरने पे तुम मातम मनाते और इंसान के मरने मार के इंसान को खुश होते, शर्म करो शर्म, तुमको भी फिर आजाद में जब घेर लेगा ना वो तो भागने को मौका नहीं देगा, भागने को इतनी बड़ी हुकूमत तो तुम्हारी नहीं है, शद्दाद फिरौन नमरूद हामान पूरी दुनिया पे हुकूमत दिया था इनको, मगर बाद में मारा कैसे इनको, फिर भगा भगा के उसने जिसने हुकूमत दिया था इनको, सब आत्माओं को जिसने बनाया वो परमात्मा भी धनों पर बैठाला सबका पालनहार, जो सबको पाल रहा, सारे कीड़े मकोड़े पानी जल जल के अंदर के जीव, जमीन के अंदर के जीव, हवा के अंदर के, हर चीज को तो पाल रहा, हर चीज को संभाल रहा, तुम फिर कहाँ भागेंगे जब उन्हें बदला लेने पेगा तुम्हारे पे, तो इसलिए इंसानियत दिल के अंदर रखो बरकरार, ये सब बातें मैं ये अंकू वो करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, बार बार तुम लोगों को बोलता हूँ कि जिस पे बीतती उसको पूछो क्या तकलीफ रहती है, भला जिसके घर में उसके परेशान करते, जो लोग परेशान हो जाते जादू टोने से उनसे पूछो क्या परेशानी होती, और आज तक मेरे पास जितने लोग आए, हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, सब पर जिसने भी जादू करा वो अपना रिश्तेदार था, हिंदू का रिश्तेदार हिंदू ने करा, सिख के सगे रिश्तेदार ने सिख पे करा, दलित के रिश्तेदार ने दलित पे करा, मुसलमान के रिश्तेदार ने सगे मुसलमान पे करा, कोई ऐसा नहीं आया मेरे सामने कि वो दलित था बोल के उसको मुसलमान ने करा, वो हिंदू था बोल के उसको मुसलमान ने करा, या वो सिख था बोल के उसको हिंदू ने जादू करा, ऐसा नहीं आया मेरे सामने आज तक कुछ भी, तुमने तुम्हारे सगे रिश्तेदारों ने तुम्हारे ऊपर जादू टोना करे, फिर तुम कहां बांटने को जा रहे, धर्म अनजात अनपाट समझो, अकल से पैदा लो, जो अपने रहते हैं उन्होंने अपने कश्ती में छेद करते और जो गैर रहते हैं उन्होंने अपने कश्ती का छेद मिटाने की कोशिश करते हैं, समझो, कहने सुनने से ज्यादा वही तो तुम्हारे वास्ते गैर ही था ना, तुम हिंदू भी थे, तुम सिख भी थे, तुम ईसाई भी थे, तुम क्रिश्चियन भी थे मेरे पास आए, मगर मैंने तो तुम्हारे कश्तियों में के छेद मुचाया, जो तुम्हारी कश्ती दरिया में जाकर डूब जा रही थी, गर्क हो जा रहा था तुम्हारा घर, सब मर जा रहे थे, तो मैंने तो तुम्हारे अल्लाह के हुक्म से जाने बचाया, मगर देखे वो जो जिसने तुम्हारे जानों को तकलीफ में डाले वो तो तुम्हारे अपने थे ना, सबके रिश्तेदार थे ना, ये बातें जहन में बिठाओ, इंसानियत को पालो दिल दिमाग के अंदर से, इतने फसादत मत करो, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। हम लोग निजाम